पर्वत को हाथ में जमा लिया है हनुमान जी ने और वहां से लेके चल दिए, तो इस पर्वत ने क्या जवाब दिया था? ये जवाब दिया हनुमान जी, मुझे ले तो जा रहे हो लेकिन मुझे बीच मझधार में मत छोड़ देना। मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि भगवान श्री राम के दर्शन करना है मुझे, और मुझे अगर तुमने बीच में छोड़ा भी ना तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। हनुमान जी कहने लगे, ठीक है मैं ले जा रहा हूँ तो तुम्हें भगवान के दर्शन ही करा के रहूंगा। हनुमान जी लेके चले और चलते चलते ब्रज पर आ गए। उस पर्वत को लेके ब्रज पर आ गए तो श्री राम ने एकदम से संकेत दिया है, ए बजरंगबली, हनुमान जी जिस पर्वत को लेके आ रहे हो ना उस पर्वत को वहाँ की वही छोड़ आइए, क्योंकि यहाँ तो नल और नील ने ये पुल बना के तैयार कर दिया। हनुमान जी ने राम का संकेत सुना ना तो उस पर्वत को उस ब्रज पर ही छोड़ दिया। जब पर्वत को ब्रज पर छोड़ा तो पर्वत श्राप देने लगा, ए बजरंगबली आपने तो ये वादा किया था कि मैं तुम्हें भव से पार करूंगा, राम के दर्शन कराऊंगा, लेकिन तुमने न तो मुझे इधर का छोड़ा न उधर का छोड़ा, बीच मझधार में आकर के अटका दिया और भगवान के दर्शनों से भी वंचित छोड़ दिया, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ। तो बजरंगबली ने प्रभु श्री राम का ध्यान किया और कहा कि हे प्रभु ये पर्वत तो मुझे श्राप दे रहा है, अब क्या करो? तो श्री राम ने जवाब दिया है कि बजरंगबली कह दो इस पर्वत से अभी तो मैं इसको दर्शन नहीं दूंगा, लेकिन आने दो द्वापर, जब द्वापर युग आएगा ना कृष्ण अवतार लेके आऊंगा तब इस पर्वत को दर्शन नहीं बल्कि अपने हाथों से ही इस पर्वत को पुजवाने आऊंगा। एक दो कल्प नहीं कई कल्प वो पर्वत ब्रज पर ही पड़ा रहा, कई कल्प। एक गोवर्धन नाम के राजा हुए ब्रज भूमि पर, उनके छह पुत्र थे, वो ब्राह्मण थे। छह पुत्रों को यक्षों ने वन में मार डाला, बच्चों के शोक में वो उसी पर्वत पर जाकर के तपस्या करते करते समाधिस्थ हो गए। उसी पर्वत का नाम गोवर्धन पड़ा, गोवर्धन पर्वत। श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, समय आने पर वो गोवर्धन पर्वत जो कई कल्प पड़ा हुआ था ब्रजवासियों के हाथों के द्वारा भगवान कृष्ण मुरली मनोहर श्याम ने अपने हाथों से उसको पुजवा दिया और उस पर्वत की भी हार्दिक इच्छा भगवान ने पूर्ण की है। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो, कन्हैया लाल की जय हो। श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजन परीक्षित, एक दिन का वृतांत है। समय आगे बढ़ने लगा, जैसे ही बाबा नंद के घर कृष्ण जैसी मूर्ति का अवतार हुआ उसी प्रकार से बरसाने में महाराज वृषभानु मैया कीर्ति के घर में राधा जैसी महान मूर्ति का अवतार हो गया। राधा भी अंगना में बढ़ने लगी, इधर भगवान भी सयाने होते जा रहे हैं। एक दिन भगवान अपने ग्वाल वालों की मंडली के साथ में गाय चराने गए थे, उधर से राधा जी अपनी सहेलियों के साथ खिरक में गाय दुहने के लिए आ गई। गाय दुहने के लिए आई, भगवान कृष्ण से वार्तालाप हुआ, कृष्ण ने अपना नाम बताया, राधा ने अपना परिचय बताया। भगवान कहने लगे, आपका नाम क्या है? राधा कहने लगी, मेरा नाम राधा है। कहाँ की रहने वाली हो? बरसाने की। पिता और मैया का नाम क्या है? जवाब दिया, पिता का नाम वृषभानु है, मैया का नाम कीर्ति है। राधा ने भगवान का परिचय पूछा तो भगवान ने सब कुछ बताया, मेरा नाम कृष्ण है, मैया का नाम यशोदा है, पिताजी का नाम बाबा नंद है, मैं गोकुल का रहने वाला हूँ। श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, भगवान कृष्ण और राधा में इसी प्रकार से रोजाना मिलन होता था और समय आने पर इतना प्रेम बढ़ने लगा, कृष्ण और राधा के प्रति इतना प्रेम बढ़ा कि कृष्ण और राधा की जोड़ी को देख करके समुद्र भी आनंदित होता था, सागर भी आनंदित होता था। श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजन
एक दिन का वृतांत था। भगवान कृष्ण अपनी मैया से आकर के जवाब देने लगे, मैया आज हमें एक बात का जवाब चाहिए। भगवान कृष्ण से मैया कहने लगी, काय कनुआ क्या चाहिए तुझे? भगवान कहने लगे, माँ हमारी हार्दिक इच्छा ये है कि हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि एक गोरी गोरी सी छोरी के साथ में, बड़े गोप की छोरी के साथ में मेरा विवाह कर दो। मैया ने जब कनुआ की बात सुनी है ना तो हंसने लगी, वाले कनुआ अरे तू शादी के विवाह के योग्य तो हो जा, तभी तो विवाह कर दो। श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजन, भगवान ज्यादा जिद करने लगे। अब भगवान को बार बार राधा की याद आने लगती है, कौन सा दिन होगा राधा के साथ में मेरा विवाह होगा। सभी भक्त बड़े भाव से पूजन करते चलेंगे और अपने आसन को ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमें ये मालूम पड़ रहा है कि भागवत हम खुद ही आनंदित हो रहे हैं कहने में। हमारे जो बुजुर्ग है ना वही ध्यान दे रहे हैं, और मैया का तो ध्यान पता नहीं कहाँ है। अगर पूछ लिया जाए ना तो भागवत चल का रही है, कहाँ प्रसंग है, तो बताया तो नहीं जा सकता है ना। बताइए भागवत का प्रसंग कहाँ चल रहा है, ध्यान है या नहीं? नहीं है ना। एक बार जोर से बोलो, जय जय श्री, जय जय श्री। कभी कभी तो ऐसे लगते हो जैसे टीवी देख रहे हो, बिल्कुल शांत मौन। हमारे पीछे कोई सीन तो नहीं आ रहे, उनको देखने में जुट जाते हो। श्री राधे, श्री राधे। एक बाबा जी का भाव था, श्री राधे, जय श्री राधे। बड़े भाव से मेरे साथ में बोलेंगे, जो भी हमारे बाबा जी बैठे हुए हैं इनका भाव था। ये कह रहे थे कि व्यासी हमारी कुछ ज्यादा आपसे विनती है कि हमारा भाव है जो मेरे दिल को बहुत प्यारा लगता है वो महामंत्र है, काश कल आप उसको गा दो तो। बड़ा प्यारा लगा इन बाबा जी का भाव, तो इन बाबा जी से हम कहना भी चाहेंगे कि बाबा जी आकर के झूमने की भी इच्छा करो। दोनों हाथ उठाते हुए, दोनों हाथ उठाएंगे, और जो भी झूमना चाहते हैं ना वो अपनी जगह पर ही झूमेंगे। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले,
सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, मेरा खाना भी तुझसे ही मशहूर है, मेरा खाना भी तुझसे ही मशहूर है, सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, खाना भी तुझसे ही मशहूर है, किस्मत है किस्मत है वो जो तुमसे दूर है, किस्मत है वो जो तुमसे दूर है, तुमसे दूर है, तुमसे दूर है, तेरे नाम पाए मस्ताना मिले, गीत गाने आया हूँ, कई गुनाहों के सौगात लाई हूँ मैं, कई गुनाहों के सौगात लाई हूँ, कई गुनाहों के सौगात लाई हूँ मैं, कई गुनाहों के सौगात लाई हूँ मैं, रहमत का इशारा नजराना मिले, मैं जहाँ भी बोली राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन में हरी लाल की जय, जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजन, एक दिन का वृतांत था, मेरे प्रभु श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे, जैसे राधा कृष्ण से प्रेम करने लगी और जो भी गोपियां थी ना भगवान के प्रति भाव अपनाने लगी, काश वो दिन हो जाए जो जैसे राधा कृष्ण से प्रेम करती है वैसे ही हमको भी कृष्ण से प्रेम हो जाए। भोले बाबा
कि मंदिर में जाकर के पूजा याचना करती हैं, चंदन का केसर का तिलक लगा करके सभी गोपियां यही वरदान मांगती हैं, हे भोलेनाथ बाबा शंकर भगवान भूतों के भूतनाथ हमें ये वरदान दे दो कि जैसे कृष्ण राधा से प्रेम करते हैं उसी प्रकार हमसे भी बाल कृष्ण गोपाल प्रेम करें। शुभ शंकर भगवान ने वरदान दिया, गोपियों आने दो समय, जैसे राधा कृष्ण से प्रेम करती है, कृष्ण राधा से प्रेम करते हैं, वैसा ही प्रेम कृष्ण एक दिन आपसे भी करेंगे। समय आने पर एक दिन भोले बाबा की पूजा याचना करने के बाद सभी गोपियां नदी के किनारे यानी यमुना में जाकर के चीर को उतार के तो किनारे पर रख दिया और किनारे पर रख दिया और जल में नग्न होके स्नान करने लगे। स्नान करते समय और भगवान कृष्ण की स्तुति की है, हे गोविंदा जाइए कहाँ हो, हम आपके दर्शन के लिए बहुत बेचैन है, व्याकुल है, परेशान है। भगवान कृष्ण ने आवाज सुनी है, देरी नहीं की और जैसे ही आवाज सुनी तो लड़कियों का तो गोपियों का तो ध्यान नहाने में आ गया, स्नान करने में रह गया, तो भगवान ने वस्त्रों की चोरी करके हरण करके उसी कदम के वृक्ष पर जाकर के बैठ गए, मुरली बजाने लगे। अब एक बात और बता दूं कि जो भी भगवान कृष्ण ने जो हम अभी कह रहे हैं कि गोपियां वस्त्र उतार के किनारे पर रख दी और नग्न होकर के जल में स्नान करने लगी। नारी नग्न कब हो जाती है जानते हो? जब उसके शरीर से, उसके बदन से उसका पर्दा हट जाता है, साड़ी हट जाती है, दुपट्टा हट जाता है, चीर हट जाता है, उसी समय नारी एक नग्न हो जाती है। गोपियां नगिन नहीं थी लेकिन इतना जरूर था जब वो जल में स्नान करने को गई थी ना तो अपनी चीरों को, अपने जो दुपट्टा ओढ़ी थी ना चुनरिया, उसको उतार के पार पर रख दिया और बिना दुपट्टे के अंदर चली गई। नारी की मर्यादा एक दुपट्टे में ही हुआ करती, एक चीर में, एक चुनरिया में ही हुआ करती। भगवान कृष्ण को बुला लिया, भगवान आ गए और भगवान भी ज्ञान प्राप्त कराने के लिए आ गए, जो जो चीर थे ना उनका हरण किया। गोपियां सभी ध्यान करती रही करती रही। थोड़ी देर बाद जब गोपियों को ध्यान आया कि हम यहाँ नगिन हैं और हमारे चीर पार पर थे, वो गए तो गए कहाँ, लड़कियों का पसीना छूट गया, अब क्या होगा, बिना चीर के बिना वस्त्रों के हम बाहर कैसे जाएंगे। अरे जो हमारी मर्यादा थी वो किनारे पर रख दी, वो तो पता नहीं किसने चोरी कर ली, अब कैसे जाएंगे हम घर। लड़की कहने लगी, बहना कौन हो सकता है, यहाँ कौन आया है। तब तक दूसरी गोपी का ध्यान, उसकी नजर भगवान कृष्ण की तरफ पहुंच गई, जहां भगवान कदम पर बैठ के मुरली बजा रहे हैं। कहने लगी, देख अरे वो आ गया कनुआ, अरे वो नटखट छलिया आ गई हो, जो बालापन को छलिया है ना, इसी ने हरण किए हमारे वस्त्र। अब भगवान को जवाब दे रही है काना, ये बताइए क्या यही आपकी मर्यादा है। भगवान कहने लगे, क्यों, कि जहां एक औरतें नगिन होकर स्नान कर रही हो वहां मर्दों की आने की क्या जरूरत है। भगवान कहने लगे, ये बताओ मैं अपनी मर्जी से तो नहीं आया हूं ना, जल में स्नान कर रही थी तब तुमने मेरा ध्यान किया कि गोविंद आ जाइए, हाँ किया था या नहीं। बोली हाँ किया। भगवान कहने लगे, आ गया फिर भी गाली दे रही हो, अगर नहीं आता फिर भी, हाँ अब ये बताओ मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, आ जाऊं तब भी बुरा और ना आऊं तब भी बुरा, मुझे तो गालियां पढ़नी पड़नी है, अब तुम बताओ। गोपियां कहने लगी, कृष्ण हमारे चीरों को हमें दे जाओ। भगवान कहने लगे, बिल्कुल नहीं, जिसको भी अपनी चीर चाहिए वो जल से बाहर आ जाइए और मेरे हाथ से चीर ले जाओ। गोपियां कहने लगी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है, यहाँ सभी गोपियां नगिन हैं और नगिन अवस्था में तुम्हारे पास कैसे आ सकती हैं अपने चीर लेने के लिए, तुम ऊपर से फेंक दो, हम अपने चीर को ओढ़ करके तुम्हारे पास आएंगे। भगवान कहने लगे, बिल्कुल नहीं, जिसको भी जरूरत है वो जल से बाहर आ जाइए, चीरों को ले जाओ। गोपियां
रोने लगी, विलाप करने लगी। भगवान कहने लगे, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें ज्ञान कराना हूँ। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया, यहाँ आपको ज्ञान कराने आया हूँ, क्योंकि आज तुमने जो गलती की है वो दोबारा ऐसी गलती कभी न करना। आज तो मैं हूँ, लेकिन मेरे सिवा यहाँ और कोई दूसरा मर्द होता तो तुम्हें क्षमा नहीं करता। कहने लगे, नारी जाति को कभी नग्न होके जल में स्नान करना ही नहीं चाहिए। जो भी माताएं आप स्नान करने जाओ, स्नान करने से पहले जो भी बाल्टी में किसी बर्तन में पानी रखती हो स्नान करने के लिए, तो नगिन अवस्था में होने से पहले इष्ट देव का ध्यान करो, जल देवता का ध्यान करो, क्योंकि जानती हो जल में किसका वास है? वरुण देवता का वास होता है। उनको नमन करो, प्रभु नहाते समय कोई भी गलती बन जाए, त्रुटि बन जाए तो हमें क्षमा कर देना। उसके बाद स्नान करो, क्योंकि ऐसा अगर नहीं करती हो, क्षमा नहीं मांगती हो, तो वरुण देवता का अपमान होता है। उनका अपमान होने से बचाइए, बचाइए। यही ज्ञान कराया भगवान ने गोपियों को, आज के बाद गलती न करना। श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, जब भगवान ने ज्ञान कराया तो गोपियों की हार्दिक इच्छा थी, कृष्ण एक दिन समय आने पर हमें महाराज भी दिखाना। भगवान कहने लगे, ठीक है समय आने दो, एक दिन समय आने पर मैं महाराज भी दिखाऊंगा तुम्हें। सभी गोपियां अपने अपने घर चली गई। एक दिन का वृतांत था, भगवान को बैठे बैठे ये वचन याद आया है। विचार करने लगे, मुझे अभी गोपियों के वचन को भी पूरा करना है, मुझे महाराज भी दिखाना है। एक दिन का वृतांत था, भगवान ने योग माया को आदेश दिया है, हे योग माया जाइए यमुना तीर के किनारे सुंदर सा रमणीय के स्थान बना के तैयार करो, क्योंकि मैं आज अपनी गोपियों के साथ में महाराज खेलूंगा। श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, योग माया चली है, ऐसा स्थान बनाया योग माया ने। भगवान उसी स्थान पर जाकर के मुरली बजाने लगे हैं। ऐसी मुरली बजी है, जैसे ही लड़कियों के कानों में, गोपियों के कानों में आवाज पहुंची ना, तो अपना होश खो बैठे। उनको ये ध्यान नहीं रहा कि हम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। मुरली की आवाज कानों में सुनते ही उल्टा सीधा श्रृंगार साजने लगे। अब उल्टा सीधा श्रृंगार कैसा था जानते हो? कानों के कुंडल तो नाक में पहन लिए और नाकों की बाली कान में, ओटों की लाली तो आंखों में भर ली और आंखों का सुरमा ओटों पर लगा लिया। उन्हें यही नहीं पता चलना कि मुरली के चक्कर में इतनी पागल हो रही है कि हम क्या से क्या कर रहे हैं। पैरों की पायल तो आतन में पहनी और आतन के जो कंगन थे ना वो पैरों में डाल लिए। अब कोई कोई को तो इतना ही नहीं होश है कि मैं साड़ी या लहंगा पहन रही हूं, ना किसी ने तो फरिया ही उल्टी सीधी बांध ली कमर से। चलो, भगवान की इतनी तेज मुरली बज रही है, अपने अपने गोदी के बच्चों को फेंक करके भागी, सास ससुर को गाली देती भागी, पतियों को गाली देती भागी। पतियों ने रोका, कहां जा रही हो? तो जवाब दिया, कहीं नहीं, भगवान कृष्ण की मुरली बज रही है, उसको सुनने के लिए जा रही हूं। जब जब भी भगवान की मुरली बजती थी ना, तब तब सभी गोपियां इतनी पागल हो जाती थी, इतनी पागल। श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजन, सभी गोपियां जब महाराज के अंदर गई, गोपियां अनेक हैं लेकिन भगवान एक थे। अब प्रत्येक गोपी की इच्छा ये थी कि भगवान हमारे गले में गलवैया डाल के महाराज करें। भगवान चक्कर में है कि मैं तो एक हूं लेकिन गोपियां अनेक हैं,
अब इनके साथ में क्या करना चाहिए, तो जितनी ही गोपियां थी ना उतने ही भगवान बन गए और प्रत्येक गोपी के गले में गलवैया डाल करके महाराज दिखाने लगे, महाराज खेलने लगे। राधा भी आ गई, श्री सुखदेव भगवान कहने लगे इस महाराज का हल्ला तीनों लोकों में हो गया और वो गोपियों की ही भीड़ नहीं, उस महाराज को देखने के लिए सभी देवी देवता आकर के विराजमान हो गए, जितने भी तीर्थ थे वो भी आकर के विराजमान हो गए, सभी आके विराजमान हो गए, महाराज शुरू हो गया। उधर में कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती को मालूम हुआ कि आज कृष्ण भगवान महाराज दिखा रहे हैं यमुना तीर के किनारे, तो वो भी सजने लगी, श्रृंगार करने लगी। भूतनाथ बाबा कहने लगे कहां जा रही हो आज छोड़ के हमें, मैया कहने लगी आज मैं जा रही हूँ, आज कृष्ण भगवान आज रास रचा रहे हैं महाराज, उसको देखने को जा रही हूँ। भोले बाबा ने जवाब दिया देवी अब ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे भी महाराज शुरू होने जा रहा है, ये जो साउंड बॉक्स रखे हुए हैं उनके नीचे से सभी हट जाएं, थोड़ी थोड़ी दूरी बनाएं, साउंड बॉक्स रखे हुए हैं उनसे थोड़ा दूर हो जाएं। देखो सभी को बता दूं मैं, जब गोवर्धन का पूजन कराया था ना भगवान ने, तो इंद्र देवता नाराज हो गए, आज हमें ये लग रहा है कि हमने भी पूजन करा दिया तो इंद्र देव को गुस्सा आ गया, तभी तो उड़ाना चाह रहे हैं, वहां तो डुबा दी हो, यहाँ हमें उड़ाना चाह रहे हैं वो। उन्हें आग्रह है, ये जो साउंड बॉक्स के आगे जो साइड में बैठे हुए हैं सभी से अनुरोध है दूरी बनाए रखें। हाँ। श्री सुखदेव भगवान कहने लगे हे राजन, भोले बाबा पार्वती मैया से बार बार कहने लगे देवी अरे आप रास देखने जा रही हो तो मैं भी चलूंगा। मैया कहने लगी बाबा वहां कोई मर्दों का काम नहीं है, वहां तो सिर्फ नारियां ही जा सकती हैं। भोले बाबा कहने लगे नारियां जा सकती हैं, तो महाराज जो दिखा रहा है ना वो कौन है, वो भी तो मर्द है ना, तो वो क्या कर रहा है वहां पे। मैया कहने लगी बाबा वहां कृष्ण है और बिना कृष्ण के महाराज हो ही नहीं सकता, इसलिए आप मत जाओ। भोले बाबा कहने लगे क्यों नहीं जाऊं, मुझे ले चलो ना, मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है कि मैं भी महाराज देखूं। मैया कहने लगी देख ली तो चलूंगी लेकिन एक कारण है। क्या? कि कारण इतना ही है, मैं आपको ले जाऊं तो सभी से आग्रह है, मौसम थोड़ा